बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में अल्काइन्स को कर रहे हैं और अल्काइन्स की जनरल इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स। तो जहाँ तक ताल्लुक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल अल्काइन्स एक्सेप्ट एसिटाइलिन, यानी एसिटाइलिन के अलावा बाकी जितने अल्काइन्स हैं दे आर कलरलेस एंड ऑडोरलेस। ना उनका कोई कलर है ना उनकी कोई स्मेल है। सिर्फ एसिटाइलिन जो है इसकी गार्लिक लाइक स्मेल है, बाकी अल्काइन के जो मेम्बर्स हैं उनका कोई कलर कोई स्मेल नहीं है। इसी तरह से जो इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि अल्काइन्स के जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स कौन से हैं, इथाइन प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। उसके बाद अगले जो आठ मेंबर्स हैं, नेक्स्ट एट मेंबर्स जो हैं कार्बन फाइव से कार्बन ट्वेल्व यानी पेंटाइन से ऑनवर्ड, दे आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। हायर मेंबर्स यानी 12-13 कार्बन से ऑनवर्ड जितने हैं वो सॉलिड हैं। ये थी इनकी जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर पे। पहले तीन मेंबर्स जो हैं वो गैसेस, नेक्स्ट एट मेंबर्स लिक्विड और ऑनवर्ड जो हैं वो सॉलिड। ठीक है, इसी तरह से जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं और इनकी डेंसिटीज़ हैं, दे इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मैस, यानी जैसे जैसे इनका मोलेकुलर मैस अल्काइन का इंक्रीज़ होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा और डेंसिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। और जैसा कि इनकी सॉलिबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको लाइट डिजॉल्व लाइक का असूल पता है, ये क्योंकि नॉन पोलर हैं तो दे आर सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कि कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन के बाद नेक्स्ट जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस है। अल्काइंस की रिएक्टिविटी क्या है और क्यों है? तो अल्काइंस जो हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा है कि अल्काइंस में जो हैं कार्बन एटम्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उन ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग टू बॉन्ड्स हैं वो पाई होते हैं। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही है कि एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और बाकी जो दो बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड हैं। इस चीज़ को जो है आप को मैं एक डायग्राम से भी जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से अल्काइन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उनमें से जो है एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप देखें, ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। ये आप देखिए, ये कार्बन हैं, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है और इनके दरमियान आपको पता है कि जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देखें ये कार्बन जो है यहाँ पे एक तरफ एक हाइड्रोजन है दूसरी तरफ दूसरी हाइड्रोजन है। अब ये दोनों कार्बन के दरमियान ये वाला जो ओवरलैप है sp-sp ओवरलैप जो है, इसके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ये वाला, ठीक है। इस तरह से अब दोनों कार्बन्स पे जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद हैं, एक py और pz, ये देखें py को ग्रीन कलर से शो किया गया है और pz को येलो कलर से। तो आप देखें कि इनके जो है साइडवेज ओवरलैप से हमारे पास पाई बॉन्ड बने हैं और इस तरह से दो पाई बॉन्ड हैं। इससे क्या होता है कि इसमें आप देखें कि दो कार्बन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो गई है। कैसे हाई हो गई है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिग्मा बॉन्ड का और दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक पाई बॉन्ड के, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक पाई बॉन्ड का और दूसरा दूसरे पाई बॉन्ड का, तो टोटल दोनों एटम्स के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों आइटम्स के दरमियान इतनी हाई है कि ये दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब ले आती है, अट्रैक्ट करती है, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। आप वैसे भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड के मुकाबले में कम होती है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब ले आए हैं, तो इसमें क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशी होती है
उसका अटैक इतना आसान नहीं रहता। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकते। हालांकि जो अल्कीन है उनके पाए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसान है, लेकिन अल्काइन के इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई करीब आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में इंट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इतना आसान नहीं रहता, जिसके नतीजे में अल्काइन्स जो हैं उनकी जो आप कह लें कि रिएक्टिविटी है वो अल्कीन्स के मुकाबले में कम हो जाती है। अल्कीन्स के मुकाबले में ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें, यहाँ आप ये देख रहे हैं, यहाँ थ्योरी में भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम इज़ वेरी हाई। दोनों कार्बन के दरमियान हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, सो दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट ड्रॉज एटम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो दोनों कार्बन एटम्स को ये एक दूसरे से इतनी क्लोज ले आती है कि जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर लेस एक्सपोज, ये इतने एक्सपोज नहीं होते, और इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है उनके लिए ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, कम रिएक्टिव हो जाते हैं। यानी अल्काइंस जो हैं ये रिएक्टिव तो हैं लेकिन अल्कीन्स के मुकाबले में कम। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अल्काइंस जो है आपको पता है कि इजीली एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्यों ये इजीली एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें किसी भी रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। लाइक अगर हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड के लिए एक पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, दूसरे पे दूसरा, तो ओवरऑल इस पे किसी भी एडिंग रिएजेंट के अल्काइन में दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। एडिशन रिएक्शंस में हम डिफरेंट जो टाइप्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहली जो टाइप है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये इससे पहले आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, एंड हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। अब सुटेबल कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है? इट मे बी निकल, प्लॉटिनम और प्लॉडियम। और ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्लॉटिनम या प्लॉडियम के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है जबकि निकल के साथ हाई टेम्परेचर पे। और जब ये जो है हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो इनिशियली अल्कीन्स बनती हैं, यानी पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और अल्कीन्स बन जाती हैं, उसके बाद फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है और फाइनली हमारे पास अल्कीन आती है। ठीक है, तो ये आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि ये देखें इथाइन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा पहले, और ये एडिशन किस तरह से होगा कि एक एटम जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का और दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे, तो इसके नतीजे में ये भी CH2 बन जाएगा और ये भी CH2, और ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। उसके बाद फिर दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक उस मॉलिक्यूल का एक एटम इस कार्बन पे ऐड होगा, दूसरा इस कार्बन पे, और हमारे पास फाइनली अल्केन्स आ जाएंगी। ये इथेन है, इट इज़ नॉट इथीन, ये इथेन है। ठीक है, तो इथेन हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास था हाइड्रोजिनेशन का नतीजा, यानी हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नतीजे में हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन प्रोड्यूस होती हैं, और ये दो स्टेप्स में होती हैं, पहले स्टेप में अल्कीन बनती है और दूसरे स्टेप में अल्केन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है एडिशन रिएक्शंस में वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स का जो एडिशन है, जिस तरह से हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इसी तरह से हैलोजन के भी दो मॉलिक्यूल अल्काइन में ऐड होंगे, और हमारे पास क्या आएगा? पहले हमारे पास डाई हेलाइड आएंगे और फिर टेट्रा हेलाइड, यानी जब एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हमारे पास डाई हेलाइड बनेगा, जब हैलोजन का दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा तो टेट्रा हेलाइड बनेगा। और रिएक्शन जो है इसमें इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये रेडिली ऐड हो जाते हैं जबकि जो आयोडीन है ये स्लोली रिएक्ट करती है। फ्लोरीन को हम इसलिए मेंशन नहीं कर रहे कि फ्लोरीन का रिएक्शन जो है वो बहुत वॉयलेंट होता है, बहुत तेज़ होता है। ये एडिशन आप देख रहे हैं कि इथाइन जो है ये रिएक्ट करेगी, क्लोरीन का पहले एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक इसका एटम एक कार्बन पे ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन पे ऐड होगा, इस तरह से आप ये देख रहे हैं, एक क्लोरीन ये दूसरा, तो ये हमारे पास डाई हेलाइड आ गया। ठीक है, अब इस डाई हेलाइड में फिर फर्दर हमारे पास दूसरे हेलोजन का एडिशन होगा, ये आप देख रहे हैं उसी ये जो डाई हेलाइड है उसमें दूसरा ऐड हुआ है हेलोजन मॉलिक्यूल, उसका भी एक एटम एक कार्बन पे ऐड होगा, दूसरा एटम दूसरे कार्बन पे, इस तरह से रिजल्टिंग प्रोडक्ट में हमारे पास चार हेलोजन्स होंगी जिसको हम कहेंगे
टेट्राहेलाइड, और ये एडिशन जो है ये किसी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो इसके रिएक्शंस हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।